हर रेसिपी। तो चलिए सब्जी तो बनाएंगे। फिर उससे पहले जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक मज़ेदार रेसिपी मशरूम और आलू की। तो चलिए बनाते हैं मशरूम की सब्जी। बनाने के लिए हमें मस्टर्ड का पेस्ट चाहिए, तो हम ये चम्मच से 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स, और ये इसमें 1 चम्मच जीरा, फिर 1 साबुत लहसुन लिया है, और आप जिससे तीखा खाते हो उसी हिसाब से हरी मिर्ची डालना। मैं लगभग 4 से 5 लिया। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैं मस्टर्ड का पेस्ट बना लिया, इसे ये जो बाउल है इसमें निकाल लूंगी। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालें, इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर ये जो पानी है इसमें डाल देंगे। अब हम मशरूम की सब्जी बनाएंगे। तो गैस को पहले ऑन करेंगे, फिर इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों डाल लेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे इसमें, और ये हम आलू को भी डालेंगे। आलू हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज आलू, छोटा छोटा करके काट लिए हैं इसको। मशरूम को डालेंगे। मशरूम हम 400 ग्राम लिए हैं, इसे अच्छे से धो के साफ भी कर लिए हैं। सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसे थोड़ा हल्का फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने पहले हल्दी डाला था ना, इसलिए 1/2 चम्मच ही डालेंगे हल्दी। और कुछ नहीं डालेंगे बस, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप इसमें चाहो तो टमाटर भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहो तो डाल सकते हो। अब हम ये जो सरसों का पेस्ट बना के रखे थे इसे भी डाल लेंगे। ये सब्जी बनने में थोड़ा लेट होगा, लेकिन बहुत टेस्टी होता है ये सब्जी। जब हम सरसों का पानी डालेंगे तब करछी नहीं चलाएंगे, इसे थोड़ा उबाल आने देंगे, इसके बाद चलाएंगे। हमने पहले तेल में हल्दी डाला था, तो हल्दी डालने से क्या होता है, आप कोई भी सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ, चुटकी भर हल्दी डाल देने से हम जो सब्जी डालते हैं वो छिड़के इधर उधर, उसका जो तेल है वो नहीं निकलेगा। अब हम इसमें थोड़ा करछी लगाएंगे। इसे हम बीच बीच में इसे चलाना है, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। अब जैसे बनी है वैसे ही आप रख सकते हो, लेकिन हम इसे थोड़ा ड्राई ड्राई बनाएंगे। इसे भी आप लोग खा सकते हो, लेकिन हम इसे थोड़ा ड्राई बनाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा तेल डालेंगे इसके ऊपर, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। फिर इसे अच्छे से मिला लें।
यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे, लो फ्लेम में इसे थोड़ा फ्राई करेंगे, इसमें जो पानी था सारा चला गया है। अब देखिए ये ड्राई ड्राई से हो रहा है, हमें इसे गैस को लो फ्लेम में रख के इसे फ्राई करना है। ये हमारा हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे, अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये हमारा मशरूम और आलू की मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार है। आप लोग इसे घर में ज़रूर ट्राई करना, ये टेस्टी जो है बहुत अच्छा लगता है और ये रोटी से ज़्यादा चावल में अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम टेस्ट करके बताएंगे। बहुत ही टेस्टी है, आप लोग इसे घर में ज़रूर ट्राई करना और कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और हाँ लाइक शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।